हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफिक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वाइल्ड कैट्स को, जो कि डीसी यूनिवर्स की एक अल्टीमेट सुपर हीरो टीम्स में से एक है। आज की इस वीडियो में हम वाइल्ड कैट्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कॉमिक बुक हिस्ट्री की सबसे अंडररेटेड और पावरफुल टीम्स में से एक हैं। जिम लेके द्वारा क्रिएट की गई ये टीम डीसी यूनिवर्स में अपनी एंट्री के बाद सुपर हीरो का एक नया डेफिनेशन बन गई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टीम के बारे में। तो वाइल्ड कैट्स को 1992 में जिम ली और ब्रेंडन चोई ने मिलकर क्रिएट किया था। जिम ली कॉमिक इंडस्ट्री के सबसे रियोन्ड आर्टिस्ट में से एक थे, जो अपने डायनेमिक आर्ट स्टाइल और डिटेल ओरिएंटेड कैरेक्टर डिजाइन्स के लिए मशहूर थे। उन्होंने एक्समैन के साथ अपनी पॉपुलैरिटी बनाई और वाइल्ड कैट्स को क्रिएट करके सुपर हीरो जॉनर में एक नई डायरेक्शन दी। ब्रेंडन चोई, जो जिम ली के कॉलेज फ्रेंड और एक टैलेंटेड राइटर थे, उन्होंने वाइल्ड कैट्स के कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइंस और यूनिक कैरेक्टर डायनेमिक्स डेवलप किए। जिम ली ने वाइल्ड कैट्स को अपने स्टूडियो वाइल्ड स्टॉर्म प्रोडक्शंस के अंदर बनाया था, जो इमेज कॉमिक्स का एक हिस्सा था। वाइल्ड स्टॉर्म प्रोडक्शंस का फोकस यूनिक और एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज क्रिएट करना था, जो ट्रेडिशनल सुपर हीरोज से अलग हो। वाइल्ड कैट्स की पहली कॉमिक इशू एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिसकी 1 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी थी। इसके पहले इशू में वाइल्ड कैट्स की टीम इंट्रोड्यूस होती है, जिसमें एलियन रेसेस, खेरुबिम और डीमोनाइट्स के बीच एक इंटरगैलेक्टिक वॉर का बैकग्राउंड दिखाया गया था। इसका नैरेटिव मिशंस और टीम डायनेमिक्स के अराउंड सेंटर था। वाइल्ड कैट्स का डेब्यूट एक ऐसे टाइम पर हुआ जब कॉमिक बुक्स में डार्क और एजी सुपर हीरोज का ट्रेंड चल रहा था। वाइल्ड कैट्स ने अपनी यूनिक मिक्स ऑफ साईफाई और सुपर हीरो एक्शन की वजह से रीडर्स को इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया। जिम ली की स्टनिंग विजुअल्स और ब्रेंडन चोई के एंगेजिंग प्लॉट्स ने वाइल्ड कैट्स को इमेज कॉमिक्स का एक स्टैंड आउट टाइटल बनाया। जिम ली का यूजुअली स्टनिंग और सिनेमैटिक आर्ट स्टाइल एक मेजर ड्रॉ था। हर कैरेक्टर की अपनी एक पर्सनैलिटी और बैक स्टोरी थी, जो रीडर्स के साथ कनेक्ट करते थे। एलियन इन्वेजन और सीक्रेट मिशंस का कॉम्बिनेशन एक फ्रेश आइडिया था, जो सुपर हीरो कॉमिक्स में पहले इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था। वाइल्ड कैट्स की पहली इशू ने इमेज कॉमिक्स के रिवॉल्यूशनरी अप्रोच को डिफाइन किया, जो क्रिएटर्स को अपने क्रिएशंस के ऊपर फुल ओनरशिप देने का प्रॉमिस करते थे। आज भी वाइल्ड कैट्स की पहली इशू एक कलेक्टर्स आइटम है और कॉमिक हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। वाइल्ड कैट्स की स्टोरी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट खेरुबिम और डीमोनाइट्स के बीच चल रही एक एंशिएंट इंटरगैलेक्टिक वॉर है। ये दोनों एलियन स्पीशीज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और उनकी सदियों से चलती आ रही राइवलरी ने अर्थ को एक बैटल फील्ड बनाया। खेरुबिम एक एडवांस्ड एलियन रेस है, जो अपने नोबल और वॉरियर लाइक नेचर के लिए फेमस है। खेरुबिम का होम वर्ल्ड एक हाईली एडवांस और पीसफुल सिविलाइजेशन का घर है। फिजिकली ये ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका स्ट्रेंथ और लाइफ स्पेन ह्यूमन से कहीं ज्यादा होता है। खेरुबिम का फोकस ऑनर, लॉयलिटी और ड्यूटी पर होता है, जिसकी वजह से उन्हें एक नोबल स्पीशीज माना जाता है। केरुबिम और डीमोनाइट्स की सेंचुरीज लॉन्ग वॉर के दौरान उनका एक स्पेसशिप क्रैश हो गया और दोनों स्पीशीज के मेंबर्स अर्थ पर फंस गए। केरुबिम ने ह्यूमंस के साथ मिक्स होकर अपना एग्जिस्टेंस सीक्रेट रखा और जनरेशंस तक अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए काम किया। बात कर लेते हैं इस टीम के मेंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है स्पेरिटन, जो कि एक एडवांस साइबॉर्ग है, जिसे स्पेसिफिकली लीडरशिप और टेक्टिकल कमांड के लिए डिजाइन किया गया था। स्पेरिटन की बॉडी एक ह्यूमनॉइड मशीन से मिलती जुलती है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और एडवांस कॉम्बैट एबिलिटीज हैं। ग्रिफ्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है और उसके पास एडवांस शूटिंग स्किल्स हैं। उसके पास कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसे एक डेडली वॉरियर बनाते हैं। जेलोट एक पावरफुल और हाईली स्किल्ड वॉरियर है, जो कि एक एलियन स्पीशीज कोडा से बिलोंग करती है। उसके पास एडवांस मार्शल आर्ट स्किल्स और एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और एंड्योरेंस है। वुडो एक पावरफुल साइकिक और एम्पैथ है, जिसके पास टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल जैसी एबिलिटीज हैं। उसके पास ह्यूमन और एलियन माइंड्स के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की एबिलिटी है। वुडो की पावर्स उसे अपने ओपोनेंट्स के इमोशन और मोटिव्स को समझने में मदद करती है। वॉरब्लेड का एक यूनिक एबिलिटी सेट है। वो अपनी बॉडी को एक लिविंग वेपन की तरह शेप शिफ्ट कर सकता है, जिसमें क्लॉज, ब्लेड्स और अदर डेडली वेपन्स क्रिएट किया जा सकते हैं। उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। मॉल एक जेनेटिकली अल्टर्ड ह्यूमन है, जिसे एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था। जब मॉल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, तो अपना साइज और स्ट्रेंथ को एनहांस कर लेता है, जिससे वो सुपर ह्यूमन लेवल के पावर्स अचीव कर सकता है। डीमोनाइट्स एक पावर हंग्री एलियन स्पीशीज है, जो खेरुबिम के ऑपोजिट है। डीमोनाइट्स एक ब्रूटल और मैनिपुलेटिव रेस है, जो अपने शेप शिफ्टिंग और माइंड कंट्रोल पावर्स के लिए जाने जाते हैं। इनका प्राइमरी गोल है प्लैनेट्स कॉन्करर करना। ये फिजिकली मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन अपने शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज की वजह से ये ह्यूमंस का डिस्कस ले सकते हैं।
अर्थ पर आने के बाद डेमोनाइट्स ने गवर्नमेंट्स और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ये ह्यूमैनिटी को मैनिपुलेट करके अपने प्लान एक्सिक्यूट करते हैं और अर्थ को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। हेलपॉन्ट्स वाइल्डकैट्स का प्राइमरी विलन, जो डेमोनाइट्स का लीडर है और अर्थ को कॉन्कर करने के लिए वो खेरुबिम के अगेंस्ट फाइट करता है। खेरुबिम और डेमोनाइट्स के बीच की लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी है। खेरुबिम ऑनर और प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं, जबकि डेमोनाइट्स डिस्ट्रक्शन और डोमिनेशन के लिए। खेरुबिम वॉरियर्स और उनके ह्यूमन अलाइज ने वाइल्डकैट्स टीम बनाई थी, जो मिशंस के थ्रू डेमोनाइट्स के प्लान को डिसरप्ट करते हैं। खेरुबिम और डेमोनाइट्स की वॉर का कोलेट्रल डैमेज अर्थ और ह्यूमैनिटी को होता है। ये राइवलरी सीक्रेट रहती है और कॉमन ह्यूमंस को इनकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं है। खेरुबिम ने ह्यूमंस के साथ रिलेशनशिप्स बनाकर हाइब्रिड्स क्रिएट किए, जो उनके पावरफुल वॉरियर्स बने। खेरुबिम के सुपीरियर जीन्स और ह्यूमंस के अडेप्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन होते हैं। डेमोनाइट्स अपने पैरासिटिक एबिलिटीज के थ्रू ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। खेरुबिम और डेमोनाइट्स की वॉर एक प्लैनेटरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इंटरगैलेक्टिक पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स का पार्ट है। ये वॉर केवल अर्थ तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स में होता है। खेरुबिम को नोबल दिखाया गया है, लेकिन उनका इंटरवेंशन अर्थ के लिए हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। डेमोनाइट्स को विलन्स की तरह दिखाया गया है, लेकिन उनके भी मोटिव्स एक डीपर एक्सप्लोरेशन डिजर्व करते हैं। जिम ली, जो ऑलरेडी एक पॉपुलर कॉमिक बुक आर्टिस्ट थे, उन्होंने वाइल्डस्टॉर्म प्रोडक्शंस को अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के लिए स्टार्ट किया था। उनका विजन था एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को अपने यूनिक स्टोरीज और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का मौका दे। वाइल्डस्टॉर्म इमेज कॉमिक्स से एक इम्प्रिंट के रूप में काम करता था। इमेज कॉमिक्स एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच था, जो क्रिएटर्स को उनके क्रिएशंस पर फुल ओनरशिप देता था। वाइल्डकैट्स, जो जिम ली और ब्रेंडन चोई का क्रिएशन था, ये वाइल्डस्टॉर्म का सबसे पहला और सक्सेसफुल टाइटल था। वाइल्डकैट्स ने अपने साइफाई और सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग के यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से कॉमिक बुक फैंस में एक इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया। वाइल्डकैट्स की डेब्यूट इशू ने 1 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल की। ये सक्सेस वाइल्डस्टॉर्म को एक मेजर प्लेयर बनाने में हेल्पफुल रहा। वाइल्डस्टॉर्म ने वाइल्डकैट्स की सक्सेस के बाद और भी कई सक्सेसफुल टाइटल्स लॉन्च किए, जैसे स्टॉर्म वॉच, जेन 13, प्लैनेटरी और भी बहुत सारे। वाइल्डस्टॉर्म के कैरेक्टर्स और स्टोरीज एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स में सेट थे, जो मार्वल और डीसी के ट्रेडिशनल यूनिवर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा एजी और मैच्योर थे। वाइल्डस्टॉर्म एक ऐसी जगह थी जहाँ क्रिएटर्स अपने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते थे। ये कॉमिक्स इंडस्ट्री के नॉर्म्स को चैलेंज करता था और मैच्योर थीम्स, पॉलिटिकल कमेंट्री और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता था। जिम ली और उनकी टीम का आर्ट स्टाइल विजुअली स्टनिंग और डिटेल ओरिएंटेड था। 1999 में वाइल्डस्टॉर्म को डीसी कॉमिक्स ने एक्वायर किया। डीसी कॉमिक्स के अंदर वाइल्डस्टॉर्म ने अपना इंडिपेंडेंस खो दिया, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को डीसी यूनिवर्स में इंटीग्रेट करने का प्रोसेस शुरू हुआ। डीसी के वाइल्डस्टॉर्म को एक्वायर करने के बाद वाइल्डस्टॉर्म के टाइटल्स ने थोड़ा अपना यूनिक आइडेंटिटी लॉस करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रीम डीसी यूनिवर्स के साथ अलाइन करना पड़ा। वाइल्डस्टॉर्म के कैरेक्टर्स जैसे द अथॉरिटी और वाइल्डकैट्स डीसी के लार्जर यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। वाइल्डस्टॉर्म ने कॉमिक्स इंडस्ट्री में एक नई क्रिएटिव डायरेक्शन सेट की, जिसमें बोल्ड स्टोरी टेलिंग और मैच्योर थीम्स थी। ये एक ऐसे इम्प्रिंट का एग्जांपल है जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता था। वाइल्डस्टॉर्म के कैरेक्टर्स जैसे द अथॉरिटी, वाइल्डकैट्स और जेन 13 आज भी कॉमिक्स और एडेप्टेशंस में रेलेवेंट हैं। डीसी यूनिवर्स में उनका इंक्लूजन लॉन्ग लास्टिंग पॉपुलैरिटी का प्रूफ है। वाइल्डकैट्स का टोन काफी ग्रिटी और मैच्योर था, जो उस टाइम के कॉमिक्स से थोड़ा अलग था, जब सुपर हीरोज टिपिकली मोर आइडियलाइज्ड और फैमिली फ्रेंडली होते थे। वाइल्डकैट्स की स्टोरीज अक्सर ज्यादातर कॉम्प्लेक्स और डार्क होती थी, जो मॉडर्न इश्यूज जैसे पॉलिटिकल करप्शन, मिलिट्री वॉरफेयर, पावर स्ट्रगल्स और जेनेटिक मैनिपुलेशन को एड्रेस करती थी। वाइल्डकैट्स को मैच्योर रीडर्स के लिए डिजाइन किया गया था, जो उन्हें ट्रेडिशनल सुपर हीरो कॉमिक्स से थोड़ा अलग बनाता था। इसलिए वाइल्डस्टॉर्म के स्टोरीज में वायलेंस और बिट्रियल जैसी थीम्स कॉमन थी। वाइल्डकैट्स की स्टोरीज में सोशल कमेंट्री काफी प्रोमिनेंट होती थी। ये कॉमिक्स सिर्फ सुपर हीरो बैटल्स तक लिमिटेड नहीं होती थी, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को भी एक्सप्लोर करती हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमनाइट्स का डिपिक्शन और कॉर्पोरेट करप्शन को एड्रेस करते हुए वाइल्डकैट्स अपनी कहानी में ऐसे एलिमेंट्स इंक्लूड करती है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। वाइल्डकैट्स में रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पावर स्ट्रगल्स और मिलिट्री ऑपरेशंस को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। ये उन्हें ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक बनाता है, जो उनको ट्रेडिशनल सुपर हीरो स्टोरीज से थोड़ा अलग करता है। स्पेरटन जैसे कैरेक्टर्स जो हाई टेक मिलिट्री सूट्स में फाइट करते हैं, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्स को दिखाते हैं। वाइल्डकैट्स के टोन में साइफाई और हाई टेक एलिमेंट्स भी प्रोमिनेंट होते हैं। स्पेरटन जैसे कैरेक्टर्स एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक
और टेक ड्राइविन स्टोरी टेलिंग को इंट्रोड्यूस करता है। उनके वेपन्स, गैजेट्स और स्पेसशिप्स का यूज कॉमिक्स को एक हाईटेक साईफाई फ्लेवर देता है। ज़ेलॉट और वुडो जैसे कैरेक्टर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में इन्वॉल्व होना उनके टोन को और डाइवर्सिफाई करता है। ज़ेलॉट का एंशिएंट वॉरियर पर्सोना और वुडो की साइकिक पावर से स्टोरी को एक डार्क मैजिक का टच मिलता है जो सुपर हीरो और साईफाई एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड होता है। वाइल्ड कैट्स के कैरेक्टर्स स्पेशली ग्रिफ्टर, ज़ेलॉट और वुडो जैसे कैरेक्टर्स ज्यादातर एंटी हीरोज के रूप में हमें दिखाई देते हैं। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो वॉयलेंस हो या बिट्रेयल। इस तरह का कैरेक्टराइजेशन उनको ट्रेडिशनल सुपर हीरो टीम से अलग बनाता है। वाइल्ड कैट्स के कैरेक्टर्स में इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स भी कॉमन है, जैसे ग्रिफ्टर अपने वायलेंट पास से डील करता है और ज़ेलॉट का एंशिएंट वॉरियर का ट्रॉमा उसके डिसीजंस को अफेक्ट करता है। स्पार्टन का अपने मिलिट्री लीडरशिप और ह्यूमैनिटी के बीच का कन्फ्लिक्ट भी एक सेंट्रल थीम होता है।